ओम नमः शिवाय, फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको देवों के देव महादेव जो टी वी सीरियल आता है उसमें जो शिव जी और महादेवी जो है उनका भी मेक ओवर आपको डॉल्स के ऊपर करके दिखाने वाले हैं तो पहले हम यहाँ पर कोई भी डॉल ले लेते हैं और क्योंकि हम पूरा मेकओवर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बाल हैं उनको हम यहाँ पर निकाल रहे हैं और फिर करने वाले हैं कलर कई लोग कहते हैं कि आप रिमूवर से भी कर सकते हो बट यहाँ पर हमें खाली फेस नहीं पूरी बॉडी का कलर चेंज करना होता है और एक और पर्पज़ होता है जो आपको आगे पता चलेगा कि क्यों कर रहे हैं तो ये स्किन कलर कैसे बनाया जाता है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बहुत ईजी होता है इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे और सारे एक्सपोज पार्ट में हम अच्छे से कर देंगे यहाँ पर शिव जी का थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया था जब तक वो ड्राई हो रहा है तब तक हम एक पेपर ले लेते हैं उसके ऊपर त्रिशूल ड्रॉ कर रहे हैं पेपर ये नॉर्मल पेपर नहीं है इट्स जस्ट लाइक जैसे आपका कोई इन्विटेशन कार्ड होते हैं ना उस तरीके का हार्ड पेपर मतलब वही ले सकते हैं उसकी बैक साइड इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब हमने कट आउट ले लिया है और यहाँ पर थिन या, या जो भी आपको पेंट ब्रश लेना हो उससे पहले तो हम यहाँ पर डमरू को कलर कर रहे हैं जो कि ब्राउन कलर है बाकी जो त्रिशूल है वो सिल्वर कलर में दिखाया गया है उसमें तो हम यहाँ पर सिल्वर कलर ही कर रहे हैं और बॉटम पार्ट थोड़ा ब्लैक रख दिया है और बस जब ये ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग कर देंगे जैसे कि वो एकदम ओरिजिनल डमरू का लुक आए और त्रिशूल भी हमारा एकदम रियलिस्टिक त्रिशूल लगे तो वो बस थोड़ी बहुत डिटेलिंग करते हैं साथ साथ और बस बनाते हैं बहुत सुंदर वाला त्रिशूल तो अब यहाँ पर जब जैसे जैसे हमारे एक एक स्टेप का कलर जो है ड्राई होता जाएगा तब हम नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये रेड कलर हमने दिख किया है जो कि त्रिशूल के ऊपर रेड कपड़ा बंधा हुआ होता है ना उसका लुक देने के लिए और बस यहाँ पर आप कर रहे हैं एक पेपर और ले लिया था और अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है धागा तो ये है ऊन का धागा ऊन का धागा हमें लेना है उस हिसाब से कि जिस हिसाब से हमारी डॉल रहती है तो डॉल की जो हेयर हो गए वो हमारी डॉल की जितनी आपको चाहिए उसके हिसाब से स्ट्रेंड को कट कर लेंगे तो यहाँ पर बस हमें इस तरीके से स्टिक के ऊपर नॉट्स बांधते जाना है क्योंकि तो हमें एक पूरा विग बना कर रेडी करना है तो विग बनाने के लिए हम पूरा स इस तरीके से लगाने के बाद इसमें ग्लू लगा कर इसे रख देंगे ग्लू कोई भी आप ले सकते हैं पी वी ए वाइट ग्लू जो भी क्योंकि वो ड्राई होने के बाद पूरा डिसपेयर हो जाता है तो देखिए ड्राई होने के बाद इस तरीके से हमारा बंच रेडी हो गया है अब ये जो पेपर हमने कलर करके उस टाइम ड्राई कर दिया था अब इसके ऊपर हम मून ड्रॉ कर देते हैं तो मून ड्रॉ करने के बाद इसका कटआउट हम ले लेंगे तो ये हमारा जो चंद्रमत देवता है वो भी रेडी हो गए हैं अब देखिए हमारे जो शिव जी हैं उनका कलर पूरा ड्राई होने के बाद हमने पेंसिल से इसके ऊपर आइज एंड आईब्रोज बना दिया था और हेड का जो बेस है वो हम पूरा पहले ड्रॉ कर लेते हैं और बाद में हम इसमें पेंट करेंगे तो इनर पार्ट जो है आइज़ का वो फिल कर लेते हैं और यहाँ पर तिलक लगा देते हैं इसमें हमने थर्ड आई नहीं बना रहे हैं क्योंकि जो हम मेक ओवर कर रहे हैं उसमें थर्ड आई नहीं दिखाई गई थी तो इसलिए वो हम स्किप कर रहे हैं पार्ट को और बाकी की जो चीज़ें हैं डिटेलिंग है, वो सारी हम यहाँ पर कर लेते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो का आपको ये है आपको हमें ये बताना है शिवजी जी ने अपनी जटाओं में क्या धारण मतलब किसको धारण किया हुआ है तो उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगी जैसे कि हर वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस देते हो तो इस वीडियो में भी हम आपका वेट करेंगे तो बाल जब पेंट ड्राई हो जाएगा अच्छे से तो हम यहाँ पर कट करके बंचेस को यहाँ पर लगा देंगे जिस शेप में आप देख रहे हैं हमने बालों को बनाया हुआ है उसी शेप में यहाँ पर स्टिक कर देंगे और कुछ पीछे की तरफ कर देंगे क्योंकि हमें ऊपर हाफ बन बनाना है तो बस यहाँ रबड़ लगा कर ट्राई कर देंगे और ये कुछ बॉल चेन से यहाँ पर मतलब उसको बनाकर चांद चिपका दिया है और अब ये ड्रेस देखिए हमारे पास लेपर्ड प्रिंट में इस तरीके से ड्रेस तो नहीं थी तो हम क्या कर रहे हैं येलो कलर का कपड़ा और मार्कर से कुछ उसमें पैटर्न बना देते हैं उसी तरीके से जिससे कि वो पूरा लुक आए कि ये लेपर्ड प्रिंट है और बस यहाँ पर ग्लू लगा देंगे और फ्रंट पार्ट जो है इसको यहाँ से पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये जो सारा काम है आप देख रहे हैं हम हॉट ग्लू इंस्टेंट ग्लू से कर रहे हैं आप चाहें तो सुई धागे से भी ये कर सकते हैं बट ये बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं अब इसके ऊपर ये काला कपड़ा हमने लगा दिया है उसके ऊपर एक ऑरेंज या फिर रेड कलर का कपड़ा बांध देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा मार्कर से कर देंगे तो इससे पूरा एक हमारा लुक आ जाएगी जैसी हमें चाहिए और ये अगेन हमारे पास ये बॉल चेन है उसको हम सारे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि वो जो रुद्राक्षम की माला वाला रहती है ना वो उसका पूरा लुक इससे आ जाएगा तो बाजू में और वेस्ट में और गले में जो भी माला है वो इस तरीके से यहाँ पर रैप कर देंगे तो ये कानों में भी सेम वही हो जाएगा और जो वेस्ट के अराउंड है यहाँ पर वो भी हम इसी तरीके से लगा देंगे तो ये सेट हो गई है अब रहते हैं यहाँ पर ये जो साइड वाली रहती है ना वो रह गई है हमारी तो इसे भी हम इसे से लगा कर चिपका देंगे तो ये हमारे ऑर्नामेंट्स पूरे रेडी हो गए हैं अब ये कुछ एक पार्ट है जो मेरे पास एक वैसे लेस है आप चाहें तो कुछ और कपड़ा या पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इज़ जस्ट कि वहाँ पर एक बेल जैसा कुछ दिखाया गया था तो उसका लुक देने के लिए हम यहाँ पर इसको लगा रहे हैं तो बस यहाँ टॉप से लेकर जाते हुए पीछे की तरफ हम इसे स्टिक कर देंगे तो ये पार्ट भी हमारा तैयार हो चुका है और अब देखिए यहाँ पर जो हमारा हमने त्रिशूल बनाया हुआ उसमें कपड़ा हैंगिंग रहता है ना तो हम यहाँ पर कपड़ा ले ले सकते हैं या फिर मैंने ऊन का धागा ले लिया है जो उसी का ही लुक दे रहा है और ये थोड़ी सी रुद्राक्ष की माला देने के लिए और अब बना रहे हैं हम उनकी जो नाग देवता हैं वासुकी जी उनको बना रहे हैं तो यहाँ पर फॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एकदम लाइट वेट होता है और जहाँ को जैसे मोड़ो ना वैसे मुड़ जाता है तो आप चाहें तो क्ले से भी बना सकते हैं कुछ एक वीडियोस में हमने आपको क्ले से भी दिखाया हुआ है तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं फिलहाल फॉइल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा ब्लैक पेंट एक्रिलिक का इस्तेमाल कर रहे हैं इससे पूरा एक एक लुक आ जाएगा तो जब ये पूरा अच्छा ड्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा और ग्रेश पार्ट कर देते हैं जो कि फ्रंट पार्ट रहता है और थोड़ी आइज़ बना देंगे उससे और अच्छे से लुक आ जाएगी तो देखिए अब नेक के अराउंड तभी लपेटना है जब हमारा पेंट अच्छे से ड्राई हो जाए तो यहाँ पर हमारे देखिए शिवजी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर चिपका देते हैं उनका त्रिशूल भी हाथ में दे देते हैं ताकि वो एज इट इज़ सेट हो जाए तो बस तैयार हो गए हैं हमारे शिव जी यहाँ पर कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा और बस अभी हम आपको दिखाते हैं माँ पार्वती जी तो पार्वती जी के लिए हम यहाँ पर डॉल का सेम डॉल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं अगेन सेम बाल बाल निकाल देंगे पेंट वही स्किन कलर बस यहाँ पर थोड़ा लाइट कलर कर रहे हैं माता पार्वती थोड़ी फेयर कल दिखाया हुआ है तो जब पेंट पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम ही उसको नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे उससे पहले विग बना लेते हैं जैसा कि आपको दिखाया ही है फ्रेंड्स डॉल से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हुई है अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या जो हमारा सबसे पहला कमेंट है उसमें लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें सारी वीडियोस हैं तो आप इन्जॉय कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है तो यहाँ पर हमने देखिए आईज़ एंड आई थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि माता पार्वती की हैं तो एक बिल्कुल अच्छी सी शेप होगी आईब्रोज़ की आईज़ की तो यहाँ पर मैं थिन मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ और सारी जो डिटेलिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करें जैसा कि हमने जो इमेज आपने देखी है थंबनेल में उसी तरीके से तो यहाँ पर थोड़ी और छोटी छोटी जो फ़ीचर्स होते हैं नेल्स वो आलता वगैरह रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम पहले ही कर देते हैं और फिर हेड बेस जो है वो भी तैयार कर देते हैं तो इस तरीके से देखिए सारी आइज़ वाइज़ जो है हमें अंदर का पार्ट ब्राउन कर लिया है जब वो ड्राई हो जाएगा तो बाकी की चीज़ें हम आई बॉल वग़ैरह बना देंगे और थोड़ी आई बना देंगे उससे बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है और अब यहाँ पर उनका हेयर स्टाइल जो है वो थोड़े बाल खुले ही हैं और थोड़ा सा हाफ टर्न किया हुआ है तो वो हम इस तरीके से करेंगे तो बस सेंटर पार्ट से हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक एक फ्लिक्स लेकर पीछे की तरफ बस हम उसे बांध देंगे तो पूरा वही हेयर स्टाइल बन गया है अब उनका जो ड्रेस है वो पार्ट बनाने के लिए क्योंकि उनकी जो स्लीव्स का पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है तो हम इस तरीके से सारे पार्ट को ग्लू से ही पहले यहाँ पर फिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारा अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने पेंट यूँ किया था क्योंकि देखिए हम कर रहे हैं चिपकाने का काम तो जब भी अगर हमें कभी ये ड्रेस निकालनी भी हो कोई भी एक मेक ओवर अगर आप कर रहे हैं एक्स वाई जेड तो आपका जो वो ड्रेस है वो पेंट के साथ ही बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा ना जो आपकी डॉल है वो ख़राब नहीं होगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और ईजीली हमारा ग्लू निकल जाएगा तो इसलिए भी हम यहाँ पर लगाते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं उनकी साड़ी तो साड़ी बनाने के लिए हमारे पास प्लेन कपड़ा है तो इसलिए मैं यहाँ पर लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है जिसमें लेस लगी हो मतलब कुछ ऐसा प्रिंट हो गोल्डन तो आपको ज़रूरत नहीं है बस यहाँ पर ग्लू लगाते जाएंगे और सेट करते जाएंगे तो साड़ी ऑलरेडी हमारी काफ़ी कुछ रेडी हो चुकी है देखिए और इसे पीछे पूरा अच्छे से सेट कर देंगे अब यहाँ पर हमारे पास है वाइट कपड़ा क्योंकि महादेवी के जो दिखाए हुए हैं ड्रेस वो रेड वाइट एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में है तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसमें लेस लगाकर और पीछे से ले जाते हुए आगे सेट कर दिया है बाकी की जितनी भी ऑर्नामेंट्स हम बना रहे हैं उसके लिए हम लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप चाहें आपके पास अवेलेबल हो गोल्डन चेन जो भी होती है बॉल चेन वो भी ले ले सकते हैं स्टोन्स वगैरह बट ये सबसे ईजीली अवेलेबल चीज़ें हैं तो हम सारा इसी से ही आपको दिखा रहे हैं तो जितना भी इसमें दिखाया गया है ना जितना हम कर सकते हैं वो सारी फ़ीचर्स इसमें हम आपको लगा कर दिखाएँगे बस यहाँ पर जो है हमने ब्रेसलेट्स जो रहती हैं बैंगल्स वो सब सारी दिखा रही है बनाकर और ये लेस का ही पार्ट को एयर में इस तरीके से चिपका कर पीछे बस सेट कर देंगे और इयर भी हमने लेस को कट करके राउंड शेप में यहाँ पर लगा देंगे तो दोनों रेडी हो चुका है अब बना रहे हैं मांगठी का पहले तो हमने सिंदूर लगा दिया है अब बना रहे हैं हम उनका मांग टीका वो भी लेस से हम बनाकर और यहाँ पर चिपका देंगे तो इस तरीके से ये भी बन गया है अब रहता है उनकी देखिए ये जो पार्ट है मंगलसूत्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉल चेन में ही हमने इस तरीके से अपनी लेस को लगा दिया था तो वो बन गया है और नेकलेस एक और बना देते हैं चोकर टाइप तो उसको भी यहाँ पर सेट कर देते हैं चिपका कर तो देखिए हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी हो गई है कुछ एक स्टोन्स अगर बिंदी वगैरह तो उससे बना सकते हैं तो यहाँ पर हमारे महादेवी पार्वती जी भी तैयार हो चुकी हैं तो इस तरीके से हमारे देवोती देव Uh, महादेव सीरियल जी के जो शिव पार्वती जी का जो जोड़ी है वो हमने यहाँ आप पर आपको बना कर दिखाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में